सुबह का टाइम हो गया है और सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को। कैसे आप सब, आप सभी का स्वागत है पूनम ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह मम्मी चाय बना रही है, चाय में अदरक डाल रही है। चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना रही हो? नाश्ता बनाएंगे ना, क्या जा रही? चूड़ा मटर बनाने। चूड़ा मटर मतलब कि पोहा? पोहा, काफी दिनों से पोहा नहीं बना रहे, तो मम्मी का मन कर दिया आज पोहा बनाने का। ठंडी का मौसम है, देखिए धूप निकला हुआ है एकदम। ये जो सामने दिख रहा है, पहले हम लोग इसी बिल्डिंग में रहते थे, देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी चाय बना रही है और चाय में बाल आ गया है। तो आप लोग, और इधर देखिए मटर भी रख लिए हैं और इधर प्याज भी रख लिए छिलने के लिए, मर्चा बाकी। अभी जा, अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। मंदिर जाएंगे तो हम लोग के लिए नाश्ता बना देते हैं, पोहा भी बना के रखी हूँ, कर देती हूँ। यही लोग खाते हैं, मैं तो हाँ जानते हैं, हमको पता है कि आदत नहीं, बना देती हूँ बच्चों के लिए ये, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं तो कभी कभी खाती हूँ, नहीं तो बस आर्यन को ज़्यादा पसंद है इसके लिए मैं बोलती हूँ थोड़ा सा नाश्ता बना दूँ, बच्चे हैं। और जुड़े रही ब्लॉग में, जब तक मम्मी यहाँ पे कढ़ाई पे चढ़ा के तब आप सबसे मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए मम्मी तेल में फ्राई होने के लिए मिर्चा, अरे मिर्च और क्या प्याज डाल दिए ना, और इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। जीरा का तड़का दिए हैं, जीरा का तड़का दिए, इसको फ्राई होने के लिए थोड़ा चलाएंगे। थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा ब्राउन कलर एब्जॉर्ब कर लेगा तब मम्मी इसको बनाएंगे। पोहा तो बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, वैसे भी सबको आता है पोहा बनाने। क्या आप तो अभी तक ये लोग मंदिर में, अभी आ रहा नहा के निकला है, अभी ये लोग मंदिर जाएंगे। अब बोलते मंदिर आज कंबल वगैरह निकला है ना धोने के लिए, तो मैं बोली आज उसको डालने का वो भी नहीं है, वही रहता है। सोचती हूँ मैं इसलिए इन लोग को मंदिर भेजती हूँ कि ताकि इन लोग को बुद्धि हो। हम भी जाते हैं मंडे को जाते हैं, हम लोग जुड़े हुए ब्लॉग पे, जब तक यहाँ पे मम्मी ट्राई करके तब आप सबसे मिलती हैं। देखिए मम्मी का चाय और पोहा बन के रेडी हो गया है। ये चाय कैसे रखी हो? ये पूछ रही थी, थोड़ा सा ले लेना कप पीला चाय। नहीं चाय नहीं, हैं दे दे इसको पोहा दे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी चाय छान रही है और इधर पोहा निकाल के रख दिया। तो आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिए, तब तक यहाँ पे जा रहे हैं सब लोग मंदिर से आ गए हैं चाय नाश्ता करके, तब आप सबसे मिलते हैं। A few moments later. शाम का समय हो गया है, नहा धो चुकी हूँ, 4:00 कुछ मिनट हो रहे हैं, 4:30 रहे हैं, और जान रहे हैं कि न्यू ईयर आने वाला है, 31st आने वाला है, अचानक से कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया, और थ्रेडिंग काफ़ी दिन हो गया है, मैं बनवाई नहीं हूँ, आज जा रही हूँ बनवाने, तो बनवा के आती हूँ तो आप सबसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी आर्यन भी आ जाएगा क्लासेस से, तारा बंद करके बगल वाली को लेके जाती हूँ, या तो फिर लेके जाती हूँ, फ़ोन करेगा तो आ जाऊँगी फटाक से, 10-15 मिनट लगेगा। आज कैसे आ रहा हूँ, आप खाना खिला रही हो? क्यों मैं आ रहा हूँ, पहली बार खाना खिला रही हूँ क्या? नहीं, जैसे पूछ रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद, बहुत दिन के बाद खिला रहे हैं। आ रहा बोला मम्मी मेरे नाखून में लग रहा है इसके लिए खिला रही हूँ, नहीं आ रहा को छोड़ के जाने वाली थी इसके लिए थोड़ा सा प्यार ज़्यादा कर रही हूँ। तो गैस मैं थ्रेडिंग बनवाने गई थी, देखो बनवा के आ गई हूँ, हम चलेंगे कल घूमने। चलोगे घूमने? पेपर पेपर तो 3 तारीख है। कल कहाँ जाओगी? चलेंगे जहाँ इच्छा करेगी, कल या परसों, दो दिन। चलो जो दादी, खरवाज में दर्शन नहीं किया जाता है, कलवे कलवे चल सकते। देखो मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है, दमन। दमन कहाँ? वापी के आगे। नहीं एलिफेंटा चलो। एलिफेंटा चलो चलते हैं, सोचती हूँ एक मिनट। एलिफेंटा किधर है? मुंबई साइड चर्च गेट। तो आप लोग जुड़े हुए ब्लॉग में, मम्मी यहाँ पे आ रहे हो खाना खिला के, तब मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए मम्मी का वटाना छिलके हो गया है और यहाँ पे इतना ढेर सारा कचड़ा हो गया। आज मम्मी ने अच्छा काम किया कि थैली में किए हैं, वरना रोज ऐसे जमीन पे रखती थी, फिर बाद में उठाना पड़ता था ना। मम्मी क्या मालूम कि इस बार पे थोड़ा सा गुस्सा हुई है मेरे से, और घड़ी में टाइम हो रहा है, बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं, घड़ी में हो रहा है 8:20 होने वाला है, और मम्मी खाने की तैयारी कर रही हैं। क्या बनाओगी?
कुछ नहीं बनेगा। हाँ कुछ नहीं बनेगा, यही तो मम्मी का है, पहले बोल देंगे कुछ नहीं बनेगा फिर बाद में बनाती हैं, क्या मालूम क्या। बता दो क्या बनेगा। सो गाइस यहाँ पे देखिए रात का टाइम हो गया, खाना बनाने का कितना घर में कितने बज रहे हैं, 10 मिनट में 2-3 मिनट बाकी है। और इधर ये टमाटर मटर क्या बन रहा है, चावल है, चावल फ्राई करने जा रही। चावल फ्राई बनाओगी? यहाँ पे देखिए हम फ्राई राइस बनाने जा रही है। यहाँ पे यहाँ तक जो सब मसाले उसको भूल दिए, उसके बाद राइस डालेंगे। कितना अच्छी लग रही कलर उसको बताना राधा, तो कलर अच्छा आ रहा है। आजकल मेरा मूड थोड़ा बहुत अपसेट चल रहा है। आप लोगों ने बहुत शादी के लेके बहुत कमेंट किए, बहुत लोगों ने कहा कि हाँ कर दीजिए पूनम दीदी, और बहुत लोगों ने कहा मत करिए बच्चों का मुंह देखिए। तो हमें भी पता है कि बच्चों का मुंह देखना है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ, वो अपना पर्सनल चीज़ है। क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ करता है, तो हम भी सोचेंगे, मेरा आरो एकदम मायूस है। मैं भी जो भी डिसीजन लूँगी तो समझ के लूँगी, मैं भी इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। बहुत से लोगों का ये कमेंट क्या आया कि दीदी आप किट्टो वंदना का देख के सोचती हैं कि मैं भी ऐसे रहूं, अगर मैं आज किट्टो वंदना का देख के सोचती तो मैं कब का अपना घर बसा लेती। लेकिन 5-6 साल तक हमने वेट किया, दुनिया देखी, दुनिया की बातें सुनी, फिर सबका रहन सहन देखा, सबका बात विचार देखा, फिर उसके बाद इंसान कोई डिसीजन लेता है ना, आई कि नहीं। तुरंत कोई डिसीजन तो ले नहीं सकता है। किट्टो वंदना के नसीब में जो है वो अपना है, लेकिन हमें किसी का देख के ऐसा हम नागस मान लीजिए मैं कर भी लेती हूँ, मेरे ज़िंदगी में नहीं सुख लिखा है तो नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना कि बाप सब बोलते हैं ना कि माता पिता कभी गलत चीज़ नहीं करते हैं, सोचते हैं ना कि अच्छा घर देख के शादी करते हैं, अगर से हमारे घर नसीब में रहता तो वो महल से मड़ई भी बन सकता, हो जाता है नसीब नसीब की बात। तो मैं भी जो कुछ भी डिसीजन लूँगी बॉस तो समझ के लूँगी। तो आप लोग कमेंट किए मुझे बहुत अच्छा लगा, प्यार दिए मुझे बहुत अच्छा लगा, सब अपने अपने तरीके से कमेंट किए, जिसके समझ में जो आया उस तरीके से कमेंट किए, अच्छा लगा। तो मैं भी जैसे 5 साल वेट कर, जैसे बोलते हैं ना दीदी की 5 साल बैठी 5 साल और, कभी कभी जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो बच्चे के बिहेव में भी चेंजिंग आ जाती है, परिवार के रहन सहन में परिवर्तन आ जाता है। तो हर एक चीज़ इंसान एकदम प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो अपना पर्सनल मैटर है, इसके लिए इंसान नहीं कर सकता है। तो और मैं क्या बोलूँ, बहुत ही यही सब उलझन से मेरा सर इतना फटा जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो अपना वीडियो ऐसे समाप्त करते हैं, अगर से जैसा रहेगा मैं आप लोग को जरूर अपडेट देती रहूँगी। अब मिलती हूँ नए और अच्छे ब्लॉग के साथ, कुछ तो रोज़ रोज़ नई नई बातें होती रहती है, तो बातें ज़रूर आपसे शेयर करती हूँ।